सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुनाल एनिमल प्लैनेट और मैं हूं कुनाल आपके साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो और धुआं निकल रहा है मुंह से और इस टाइम पे टाइम हो रहा है, मैं देख देता हूँ फ़ोन में क्या टाइम हो रहा है। भाई 2:30 बज रहे हैं इस टाइम पे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप देख लो सारा अभी भी दिल्ली में फॉगी फॉगी टेम्परेचर है। और इस टाइम पे टेम्परेचर जो आ रहा है ऑलमोस्ट रात को तो दिल्ली में कहीं कहीं जगह पे 1.5-2 डिग्री तक भी जा रहा है। इस टाइम पे भी 6 डिग्री टेम्परेचर है और लॉफ्ट देख लो जैसा कि कवर कर रखे हैं, मगर आज वैसे ही थोड़ा सोचा मैंने कि आज आपको कबूतरों का शौक करा देते हैं। कबूतर हालांकि अंदर बंद है, अभी मैं इनके लिए पानी गर्म कर रहा हूँ, पानी पिलाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कबूतर। तो भाई ये पानी हमने उबाल दिया कबूतरों के लिए, देख लो गर्मा गर्म पानी, ये कबूतरों के लिए पानी उबाला है। प्लस साथ में ये मेरे वाले सप्लीमेंट्स पड़े हुए हैं, इसके अंदर से अभी कुलदीप भाई ने डाला था, तो ये गोल भी फ्लाई है, अब हमारा ख़त्म भी होने वाला है, नया डब्बा खोलेगा इसका, देख लो आपको दिखाई देता हूँ मैं। तो भाई ये गोल भी फ्लाई हमने पूरा सर्दी, इसने हमारा बहुत साथ दिया, एक इसने और एक कबूतरों वाली चाय ने, चाय तो इनफैक्ट कुलदीप ने आज सुबह भी इनको पिलाई थी, तो ये अभी हमने नॉर्मल पानी गर्म करा है इनका। तो भाई पानी में ले आया हूँ बाल्टी में डाल के गर्म पानी ऊपर, थोड़ा इसका कलर ऐसा हो रहा है क्योंकि सुबह कुलदीप ने चाय बनाई थी तो पतीले में थोड़ी बहुत लगी रहेगी होगी उस वजह से। तो कबूतरों का शौक करा देते हैं आपको, आप ये देख सकते हो ये बच्चे हैं अपने पास दिल्ली कप वाले, कुछ कबूतर इनमें से अभी मैं गया था तो पंजाब से लेके आया था और उनका भी शौक कराएंगे, पर भाई ठंड इतनी हो रही है कबूतरों को बाहर नहीं निकाल रहे। अब देख लो टोटली सारे कबूतर बिल्कुल फिट है, ये अपने घर के बच्चे हैं, एक ये बच्चा निकला था जो मेरे पास धन्ने के कोयल वाले कबूतर है, उनके अंदर से एक ये भवरा मतलब चॉकलेटी भवरा निकला था, वैसे अक्सर वो इस टाइप के काले भवरे निकालते हैं बट एक ये चॉकलेटी भवरा निकला था बच्चा। शौक कराएंगे इन सब का आपको कभी, लेकिन अभी तो फिलहाल ठंड बहुत है तो अभी ये दाना खा रहे थे। कुछ कबूतर ये हैं और इन्होंने भाई दाना खा लिया शायद से, ये हैं तो घर के ही बच्चे पर अभी ये बड़े हो गए हैं नर, तूफान हो गया, ब्लैक मंबा हो गया, वो सब इन्हीं के अंदर ही है। तो भाई ठंड इतनी हो रही है हाथ जम रहे हैं, ये वाला ब्लैक मंबा बैठा हुआ है और तूफान भी यहीं का ही होएगा इसमें बैठा हुआ है भाई। तो इन्होंने भी दाना खा लिया है, जोड़े वालों को भी शौक कराते हैं आपको। जो हमारे कबूतर फिट हैं मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ, वैसे तो और भी काफ़ी लोगों के फिट होएंगे इस टाइम पे और कईयों के बेचारों के बीमार भी हैं, पर भगवान करे सबके जानवर हेल्दी रहे। लेकिन भाई जिस हिसाब से आप देख सकते हो कि ये देखो ये बच्चे निकल रहे हैं, ये बच्चे हैं इधर और भी कुछ, एक बच्चा उधर है और एक दो बच्चे इधर बैठे हैं, ब्रीडिंग भी अच्छी हो रही है, टचूट कबूतर भी आपको कोई सा लॉफ में सुस्त नहीं मिलेगा, उधर भी देख सकते हो बच्चों वालों में भी वो चुग रहे हैं अभी अंदर। एक ये वाला बच्चा थोड़ा ढीला है सबसे लास्ट में लाल वाला, इसको आइडियल पिल्स दे देंगे अभी, बाकी ऑलमोस्ट आप नज़र मार सकते हो सारे बच्चे बिल्कुल फिट है और ये भी इधर भी ब्रीडिंग हो रखी है। तो भाई इसका कारण ये है कि एक तो सर्दी में भी हम अपने लॉफ्ट को गंदा नहीं रखते, जैसे आप देख सकते हो पूरा लॉफ्ट ड्राई है, लॉफ्ट वाइट छिड़क रखा है हमने, और उसके बाद में हम इनको रेगुलरली सारे सप्लीमेंट्स देते हैं इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए, जैसे गोल भी फ्लाई हो गया, चाय वगैरह हमने इनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी है चाय, जिससे कि ये ढक तो सब नहीं रखे हैं लॉफ्ट वैसे अपने, पर हमने चाय का यूज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा इस टाइम पे, और आप देख सकते हो कबूतर सारे के सारे एकदम फिट हैं, बच्चे निकले हुए हैं अंडों पे बैठे हैं, वो कुछ बच्चे उधर चुग्गा मांग रहे हैं। तो भाई कबूतर सारे ये वन है, ये हर पता नहीं पानी कैसे गिर गया इसमें इधर,
पर ये भी सूख जाएगा अपने आप, ये सारा फ्लोर वाइट जो हमने छिड़क रखा है ये भी सोख लेगा पानी को फटाफट से। तो भाई ये इस लॉफ्ट की ब्रीडिंग है, अब इनको पानी रख देते हैं। तो भाई अब मैं आ गया हूँ नीचे, ऊपर तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई मैं आपको ये बता दूँ जो पानी की मैं बात कर रहा था कि हमें इनको पानी रखने के बाद में जो है ना रात को पानी नहीं रहने देना इनके लॉफ्ट के अंदर। अभी बस जस्ट अभी मैंने इनको दाना रखा है, एक घंटा मैं रखूंगा पानी भी दाना भी अभी तो, क्योंकि आज अंदर चुगा रहे, वैसे अंदर चुगाते नहीं, बट आप अभी देख लो क्या हाल हो रहा है, तो बाहर चुगाने का मतलब ही नहीं था कबूतरों को, तो आज वो अंदर ही चुग रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर उनके पास पानी, गुनगुना पानी रखा हुआ है वो पड़ा रहेगा और दाना पड़ा रहेगा इनके पास में, और थोड़ी देर में जो है मैं क्लियर कर दूंगा, अभी जाके पानी भी हटा दूंगा इनके आगे से, दाना भी हटा दूंगा, फिर कल सुबह सुबह इनको गुनगुना पानी फिर से देंगे। तो भाई ये थोड़े दिन के प्रिकॉशन है, और वीडियो इसीलिए डाल दी, वैसे कुछ खास ज़्यादा था भी नहीं इस वीडियो में, बट फिर भी डाल दी। आप लोग सोचोगे कि भाई कहाँ गायब है, एक्चुअली में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनानी है, जो लोग इस साल बाजिया जीते हैं हमारी पार्टी में अजय उस्ताद पार्टी में, तो उनके मद्रासी कबूतरों का शौक कराएंगे इस बार आपको काफ़ी अच्छे मद्रासी कबूतरों का। लेकिन भाई अब ऐसा मौसम हो रहा है तो वीडियो भी बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्योंकि वीडियो बनाएंगे भी तो ना कबूतर अच्छे से दिखेंगे, और इस टाइम पे फिर जाके किसी कबूतर बाहर निकलवाओ उन्हें ठंड वंड लग जाए तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा भाई मौसम खुलने दो, बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, ये बस बीच में इसीलिए डाल दिया, आप लोग ये ना सोचो कि भाई कहाँ गायब है, तो मैंने इसलिए वीडियो डाल दी, और ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।